इंकलाब जिंदाबाद 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 बैंकर्स यूनियन जिंदाबाद 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 और यूनिटी जिंदाबाद और यूनिटी जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 आज की हड़ताल जिंदाबाद 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 बैंक हमारे है आपका नहीं किसी के बाप का बैंक हमारे है आपका नहीं किसी के बाप का बैंक हमारे है आपका नहीं किसी के बाप का बोल मजूरा हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोल मजूरा हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल वित्त मंत्री हाय 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 वित्त मंत्री हाय 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 वित्त मंत्री और किस तरह का आज आप लोगों ने प्रोग्राम किया था। मैं शंभुनाथ जायसवाल यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन प्रेसिडेंट मर्जर को लेकर आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में बैंक बंद रहे हैं। ये सरकार की बड़ी बहुत ही गलत नीति है। मर्जर से कोई बैंकों को फायदा नहीं है और एम्प्लॉइज बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ेगी, न्यू एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेंगे, प्रमोशन के चांसेस रुकेंगे, काफ़ी बैंकें बंद होंगी, ब्रांचें बंद होंगी। एक तो बैंक को एक्सपेंशन करना चाहिए, ब्रांचों की एक्सपेंशन करना चाहिए जनसंख्या का आबादी के हिसाब से। दूसरे तब ये सरकारी बैंकों को बंद करके छुटभैया बैंकों को जैसे नया लाइसेंस इशू कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। मतलब तीनों बैंक अगर एक किया जाए तो कितने बैंकों पर असर पड़ेगा? तीनों बैंक अगर एक किया जाए, इनका यह प्लानिंग है। मतलब अभी स्टेट बैंक मर्ज किए थे एसोसिएट्स बैंक को, तो उसमें सफल नहीं रहे। मतलब एनपीए डे टू डे बढ़ता ही गया। एसबीआई में भी मर्जर के बावजूद भी एनपीए बढ़ा है, समझ नहीं। ये तीसरा बड़ा बैंक बनाने के सोच रहे हैं। मतलब तब इससे तो मैंने बड़ा बैंक तो बन जाएगा, लेकिन अंतोगत्वा मैंने आने वाले दिनों में काफी हुआ एनपीए की भी लक्ष्य बढ़ेगा। एनपीए तो बढ़ना ही बढ़ना है। इनकी जो स्कीमें हैं यह है एनपीए जो बढ़ना ही बढ़ना है। इसमें कितने एनपीए होंगे बैंकों में? इस समय तो लगभग 10 लाख करोड़ बकाया एनपीए जो है, मतलब 8.5 लाख उद्योग घरानों पर बकाया है। तो सरकार क्या रिकवर नहीं कर पा रही है इसमें? सरकार कड़े स्टेप नहीं ले रही है। सरकार कड़े स्टेप ले ले आज बैंकों की स्थिति सुदृढ़ हो जाए। सरकार कड़े स्टेप ले ले आज बैंकों की स्थिति सुदृढ़ हो जाए। सेंट्रलाइज बैंकों किया जा रहा है, बैंक एम्प्लॉय जो है काम मेहनत से कर रहे हैं, तो अगर ये सेंट्रलाइज होता तो कितना दबाव बढ़ेगा आप लोगों पे? दबाव नहीं, दबाव तो बढ़ ही रहा है। आम एम्प्लॉयज इस समय प्रेशर में, हर बैंक ही नहीं है, हर तबका एम्प्लॉय पे इसमें प्रेशर में है। मतलब प्रेशर में ही काम कर रहा है, समझ नहीं। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मतलब इससे मतलब देश को कोई लाभ नहीं है।